हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी मेकओवर। हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जितने भी मैं आपके साथ बेबी क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। जो गाने की बेबी क्रीम है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए मतलब अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं। वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करके इसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आमंड एक्सट्रैक्ट है और आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए इसमें मिनरल एक्सट्रैक्ट भी करे गए हैं। तो ये सबसे इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी इंडियन स्किन टोन को देखते हुए बनाई गई है बेबी क्रीम। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इससे आप मतलब डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ अजीब सा लगेगा आपके फेस पे। इससे नेचुरल ग्लो आता है और इसमें जो मॉइस्चराइज़र है आपकी स्किन को बहुत सुंदर ग्लो प्रोवाइड करता है। मतलब आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें SPF 24 भी है PA++ के साथ, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, और ये ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र है। तो मैं आपको इसको स्कॉच करके दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसी है। ये बहुत ज़्यादा ईजिली ग्लाइड हो जाती है। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की पैकेजिंग आपकी, इसकी प्लास्टिक की कैप है, ये ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका शेड क्या है। मेरे इसमें एक ही शेड आता है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, सीरियसली क्रीम कुछ ऐसी है। इसमें मॉइस्चराइजर है तो आपकी स्किन को बहुत सुंदर सा ग्लो प्रोवाइड करेगा, इससे आपकी स्किन नेचुरल लगेगी। सो मैंने आपको इसका रिव्यू करके बताया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।